डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि घन, बहुत सारे छात्रों को ये डाउट था कि सर घन किस प्रकार से निकाले, घन में तो बहुत समय लग रहा है, तो मैं आज आपको बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला, एकदम ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आप किस प्रकार से घन को किसी भी कोई भी संख्या दे दे, आप किस प्रकार से उस घन को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो जो छात्र अभी जो ऑफलाइन क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ है, जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं, इच्छुक हैं तैयारी करने के लिए, ये मेरे स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि आपकी न्यू बैच प्रारंभ है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं घनमूल निकालने का। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। तो घनमूल निकालना है, किसी भी संख्या का निकालना हो, बहुत ही आसान तरीका है आपको निकालने के लिए, एकदम ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद करनी है, घन। आपको घन याद कर लेना है, तो देख लीजिए घन कहां तक आपको याद कर लेना है। एक का घन कितना होता है? एक होता है। और दो का घन कितना हो जाएगा? आठ हो जाएगा। और तीन का घन कितना हो जाएगा? सत्ताईस हो जाएगा। चार का घन हो जाएगा चौसठ। और पांच का घन हो जाएगा 125। और छह का घन हो जाएगा 216। और सात का घन हो जाएगा 343। और आठ का घन हो जाएगा 512। और नौ का घन हो जाएगा 729। और दस का घन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दस का घन 1000। और ग्यारह का घन हो जाएगा 1331। 12 का घन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम घन याद कर लेंगे, जितनी ज्यादा घन मुझे याद होगा उतनी ज्यादा संख्याएं मुझसे आने लगेगी। लेकिन जो मेन जरूरी है आपका, कहां तक जरूरी है? 10 तक। 10 तक घन याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे 10 तक घन आता है तो आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ घन का, जो बताने वाला हूँ बहुत ही ट्रिक आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए, अगर कोई भी संख्या इसमें से कोई किसी भी संख्या का घन दे देता है, 10 से 20 तक आपको घन याद कर लीजिए, 20 तक या फिर 10 तक घन याद कर लीजिए, आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। क्या दिया है? 10648 का क्या बोला है? घन निकालना है। क्या निकालना है? 10648 दिया है, ठीक है। 10648 का घनमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसका, अगर मुझे निकालना हो तो सबसे सबसे साधारण तरीका है ये, ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी तरीका दिया हो आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देख लीजिए ये जो संख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10648। अब इसमें से घनमूल, वर्गमूल में क्या होता है? वर्गमूल में सिर्फ दो संख्या ली जाती है और घनमूल में तीन संख्या ली जाती है। तीन का जोड़ा बनता है घनमूल में, और वर्गमूल में कितने का बनता है? दो का जोड़ा बनेगा। वर्गमूल में दो का जोड़ा बनेगा, घनमूल में तीन का जोड़ा बनेगा। तो आप लोग देख लीजिए कि कितनी है संख्या? पांच संख्या, छह संख्या, पांच संख्या है। पांच संख्या में तीन संख्या को क्या करेंगे? ले लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तीन संख्या ले लिए, तीन संख्या में देखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक मेरा कितना है? आठ है। आप लोग इस डाउट में होंगे कि इकाई का अंक इसमें से क्यों लेते हैं, क्योंकि इकाई के अंक में आपका जीरो से लेके एक तक ही इकाई के अंक में है। जैसे देख लीजिए इकाई के अंक में एक यहाँ पे हो गया, एक हो गया, यहाँ इकाई के अंक में दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, ये छह हो गया, और ये सात हो गया, ये आठ हो गया, ये नौ हो गया, ये जीरो हो गया। सब में इकाई का अंक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब में इकाई का अंक है, लेकिन इसीलिए मैं बता दूं कि तीन अंक पहले घन कितने जोड़ा बनता है? तीन, तीन का जोड़ा बनता है घनमूल में, वर्गमूल में दो का जोड़ा बनता है। इसमें से तीन संख्या ले लिए घनमूल में, तीन संख्या में देख लेंगे इकाई का अंक क्या है? आठ। अब देखेंगे इसमें कि आठ कहाँ पे आता है इकाई के अंक में, आठ कहाँ आता है? यहाँ इकाई के अंक में कितना आता है? आठ। आठ किसका घन है? दो का घन है। किसका है? दो का। हम क्या रख लिए? दो रख लिए। क्या रख लिए? दो रख लिए। और इसके बाद जो दी है तुम्हारी संख्या, क्या दी है? कितना बचा? ये तीन संख्या हो गई। ये क्या हो गई? ये तीन संख्या हल हो गया। अब इसमें से देखेंगे ये दो संख्या बचती है क्या? दस। अब जो दस बचती है उसको ये चीज देखना है कि इनमें से किसके बीच में आता है। जैसे आठ और सत्ताईस के बीच में क्या आएगा? दस आएगा। आठ और सत्ताईस के बीच में क्या आएगा? दस आएगा। आठ और सत्ताईस के बीच में क्या आएगा? दस आएगा। तो हमेशा हमें क्या लेना है? छोटी संख्या लेना। छोटी संख्या अगर लेंगे, छोटी संख्या लेंगे कितना आ जाएगा इसमें से? दो आ जाएगा। तो कितने को हो गया? 91125। ये संख्या दिया है। अब इसमें से क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। अब इसका बोला है कि इसका घनमूल क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए इसमें क्या दिया है,
95,125। अब इसमें से तीन संख्या है, अब इसमें से तीन संख्या में इकाई का अंक लेंगे, इकाई के अंक मेरा क्या है कि पांच, इकाई के अंक में पांच कहाँ पे है, इसमें इकाई के अंक में पांच मेरा यहाँ है, यानी 125, यानी 125 किसका है, पांच का। हम क्या कर लेंगे, पहले पांच लिख लेंगे, इसके बाद जो संख्या हमारी बचती है क्या बचती है, 95। दो संख्या बची 95, अब देखेंगे 95 किसके बीच में आता है, 64 और 125 के बीच में क्या आता है, 95। हमेशा जब कभी भी लेंगे तो हम क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या क्या हो जाएगी मेरी, चार। चार का घन कितना हो गया, 64, तो कितना हो जाएगा, चार, यानी 45 का क्या है ये, घन है। अगर मुझे पता करना है, चेक करना है कि सही है या गलत है, हम इन संख्याओं क्या करते हैं, तीन बार गुणा करते हैं। देख लीजिए, हम गुणा करके भी देख लेते हैं कि सही है या गलत है, आपको डाउट ना रहे, क्योंकि इसका बहुत ही साधारण तरीका है। क्योंकि अगर ये घनमूल ना होगी, किसी भी संख्या घन ना होगी, फिर भी आपको घन निकल जाएगी, अगर नहीं रहेगा तो भी निकलेगी, इसलिए हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर घनमूल है तो ट्रिक के माध्यम से निकलेगी, अगर घनमूल नहीं है तो भी निकलेगी, पर इतना ध्यान रखिएगा हमेशा घन का ही निकालिएगा, बिना घन के नहीं निकालेंगे, ये ट्रिक है। घनमूल रहेगी संख्या तो निकलना निकलना है। 45 में 45 हम गुणा कर देंगे एक बार, तो 25 हासिल दो, 5 और 20 दो 22, और 4 5 20 के शून्य हासिल दो, 4 4 16, 16 2 18। अब ये संख्या आ गई, इसको जोड़ देते हैं, 5 ये 2 हो गया, 8 2 10 शून्य हासिल ले ये 2, 2025 हो गया। फिर से 45 से कर देंगे, क्योंकि हमें फिर से कर देंगे, कितना आ गया, 25 की 5 हो गया हासिल 2 हो गया, 5 2 10 2, 12 2 हासिल 1, ये कितना हो गया, 1 हो गया, और कितना हो जाएगा, 5 2 10 हो गया, 4 5 20 शून्य हासिल 2, 4 2 8 2 10 शून्य हासिल 1, 4 0 0 यानी कि 1 हो गया, और ये 4 2 8 हो गया, कितना आ जाएगा, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और ये 9, 95,125 आ गया, यानी कि हमारा किसका घन है, यानी कि 45 का घन है। इस प्रकार से घनमूल घन भी निकाल सकते हैं, घनमूल घन किसका है, 45 का है, घनमूल निकाले किसका, 45। अब देख लेते हैं इसमें से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया 19,683 दिया हुआ है। अब इसमें से हमें क्या बताना है, घनमूल बताना है, इसका बता देते हैं कितना आएगा, 19,683 दिया हुआ है, इसमें से तीन अंक लेंगे, इकाई अंक क्या दिया है, तीन। अब देखे लेंगे तीन कहाँ है, तीन यहाँ पे दिया है, किसका हो जाएगा, 7 का हो जाएगा, फिर बस ये 19 19 किसके बीच में आता है, और 8 और 27 के बीच में क्या आएगा, 19 आएगा, क्या आएगा, 19 आएगा। छोटी संख्या लेंगे, हमेशा छोटी संख्या लेना है, 8 का घन किसका है, 2 का, यानी किसका हो जाएगा, 27 का घन हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल कितना दिया है, 29,795। अब इसका घन अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका घन निकालना है तो इसमें से तीन अंक ले लिए, तीन अंक क्या दिया है, इकाई के अंक में 1, 1 दिया है तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब क्या बचता है, 29 बचा तो किसका हो जाएगा, 29 ले लेंगे तो 29 हमारे इसके बीच में आएगा, यानी 27 और 64 के बीच में 29 आएगा, तो हम छोटी संख्या ले लेंगे, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 27 का क्या हो जाएगा, 3 का, यानी 31 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगर दूसरी संख्या का निकालना हो, दूसरी संख्या किस प्रकार से निकालेंगे देख लीजिए, अगर इससे बड़ी संख्या आ गई, इससे बड़ी संख्या आ गई तो क्या करेंगे, 250,047, 250,000 कितना आ जाएगा, 47 आ गया, 250,047। अब इसका अगर मुझे निकालना हो तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, 250,047 दिया हुआ है तो इसका क्या करेंगे, इकाई के अंक में क्या दिया है, 7। अब देखेंगे 7 कहाँ पे है, 7 यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बचती है हमारी संख्या क्या, 250 बचती है, ये संख्या बच गई। अब 250 जो बची हुई है तो उसको देखेंगे किसके बीच में आता है, 250 यानी 216 और 343 के बीच में क्या आता है, 250, इसके बीच में छोटी संख्या लेंगे, 216 हमारी किसका है, 6 का, यानी किसका हो जाएगा, 63 का घन हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 7,04,969 ये संख्या हो गई। अगर मुझे इस संख्या का निकालना हो तो क्या करेंगे, और बड़ी संख्याओं पे चलते हैं, और ज्यादा संख्याओं पे चलते हैं, देखते हैं कितने का आता है। ये तीन संख्या हो गई, 7,04,969
69। अब ये 30 संख्या ले लिए 9, तो 9 में किसका आता है 729 कितना 9 का हो जाएगा। और फिर ये संख्या जो दिया है 704, 704 किसके बीच में आता है 704, यानी 512 और 729 के बीच में 704 आ गया, यानी किसका हो जाएगा 89 का घन हो जाएगा, 89 घन हो जाएगा। 89 घन है 704,969। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कितना दिया हुआ है, नेक्स्ट का देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका देख लीजिए कितना दिया हुआ है 493,000, 493,039 ये संख्या दिया है। अब इसका हमें बताना है, अगर इसका बताना है तो क्या हो जाएगा, इसमें फिर से 30 संख्या ले लेंगे। अब डायरेक्ट इसी में सीखिए, देखो 30 संख्या ले लिए 9, तो क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। अब 439 बचा, 439 किसके बीच में आता है 439, 343, 512 के बीच में अगर 439, तो हमारा क्या हो जाएगा छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी 7, तो क्या हो जाएगा 79 क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। अब देख लेते हैं 6,36,056 का घन निकाल लेते हैं। अब इस संख्या के निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, अब ये 3 संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई, तो 6 किस में आता है 6 में आता है, यानी 216 में कितना आएगा 6 आएगा। अब बचते क्या 636, अब 636 किसके बीच में है 636, 512, 729 के बीच में, यानी कि 8 कितना हो जाएगा 86 का घन हो जाएगा। और देख लेते हैं और बड़ी संख्या पे चलते हैं कि और बड़ी संख्या दे सकता है, कितना दे सकता है देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, तो नेक्स्ट का देख लेते हैं कि 970,299। अब इसका घन मुझे निकालना है, अगर इसका निकालना है तो निकाल दीजिए कितना होगा। हम ये 3 संख्या ले लिए, 3 संख्या में इकाई का अंक क्या है 9 है, 9 किस पर आता है 729 में आता है, तो किसका है 9 हो गया। और 970 किसके बीच में आएगा 1000 और 729, 1000 के बीच में 970 आएगा, यानी छोटी संख्या लेंगे 9, 99 में क्या हो जाएगा मेरा घन हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर से आगे 10,30,301 अगर मेरा ये संख्या दे दिया, तब इस संख्या को मुझे अगर निकालना हो तो इस संख्या को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये 3 संख्या हो गई, इकाई के अंक में क्या है 1, तो हमारा 1, 1 के घन में 1 होता है, और ये संख्या 4 है, यानी 1030 किसके बीच में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1030, यानी कि छोटी संख्या लेंगे क्या 1 कितना हो जाएगा 10, यानी किसका घन है 1101 का घन है। तो किसी प्रकार से कोई भी संख्या दी होगी बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से इसको हम हल कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो कहीं पर भी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इसको किस प्रकार से निकालेंगे। और अगर डाउट हो तो अगर इस संख्या को अगर मुझे आगे निकालना हो, अगर मुझे और आगे निकालना है और बड़ी संख्या के निकालना है, अगर 100 से अबव निकालना है।